हेलो फैन, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रेम रेट के बारे में, जैसे कि हम फ्रेम रेट सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फैन, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फैन, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये रियलमी का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे और आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है सिस्टम सेटिंग, तो इस पर आपको क्लिक करना है। सो क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा। आपको थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है फ्रेम रेट, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप इसे इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं 60 है, 30 है, 24 है, 15 है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो एक और तरीका है, उसके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सर्च वाले ऑप्शन पर जाना है और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है फ्रेम रेट। तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेम रेट हमने सर्च कर लिया, बट थोड़ा सा वेट करना होगा, यहाँ पर शो हो जाएगा। शो होने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसे यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जितना आप करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। जैसे कि मैं 60 कर लेता हूँ, इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए पीसी से रिलेटेड या फिर फोन से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं।